क्या आपको कभी लगा है कि आपके ऊपर नजर रखी जा रही है किसी खतरनाक आदमी द्वारा नहीं बल्कि एलियंस द्वारा? हो सकता है जैसे हम चिड़ियाघर में जानवरों को देखते हैं, उसी तरह एलियंस भी हमें देख रहे हो किसी चिड़ियाघर की जानवर की तरह। इमेजिन करिए कि ये पृथ्वी एक चिड़ियाघर है और आप इसमें फंसे हुए जानवर हो और एलियंस आपके हर हरकत को देख रहे हैं। अब आप पूछोगे कि वो भला ऐसा क्यों कर रहे होंगे। हो सकता है एलियंस हम पर अटैक करना चाहते हो या फिर वे ह्यूमंस का अध्ययन करना चाहते हैं, वे हमारा टेक्नोलॉजी सीख रहे होंगे या फिर शायद वो हम पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं उन्हें डर हो कि कई इंसान उन पर हमला ना कर दे और हम बिना वजह के ही डर रहे हैं? अगर आपने कभी भी कोई एलियंस की साइंस फिक्शन मूवी देखी होगी तो आप एलियंस के बारे में बुरा ही सोचते होंगे जो हमारा पृथ्वी पर हमला करते हैं और हमारी सभी चीज़ों को चुरा लेते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एलियंस को हमसे डर लगता हो, और ये बिल्कुल पॉसिबल है कि जब से मानव सभ्यता का जन्म हुआ है तब से एलियन हमें देख रहे हैं। अगर वे शुरू से ही हमें देख रहे तो जरा सोचिए कि उन्होंने वो सारे भयानक विनाश देखे होंगे जो हम इंसानों ने मचाया है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, जबरदस्त भयानक वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 को कैसे भूल सकते हैं। इंसान अपने फायदे के लिए एक दूसरे को मारने की लगातार कोशिश करता रहता है। ये अनुमान लगाया गया है कि पूरे इतिहास में लगभग 1 बिलियन लोग युद्ध से मारे गए है। और अगर एलियंस ने ये सब देखा है तो उनकी नजरों में तो हम इंसान एक जबरदस्त हिंसक डरावनी प्रजाति की तरह है। हो सकता है एलियन हमसे संपर्क इसीलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वे डरते हैं कि एलियंस को देखकर ये इंसान कैसे रिएक्ट करेंगे और कहीं ये हमें भी ना मार डाले। और अगर एलियंस हमें देख भी रहे हैं तो अब हम सिर्फ एक चिड़ियाघर तक ही सीमित नहीं है, हमने पृथ्वी से बाहर निकल चुके हैं और चंद्रमा पर भी जा चुके हैं। लेकिन क्या हमें यकीन है कि हम इंसानों से भी ज्यादा बुद्धिमान कोई जीव इस ब्रह्म मौजूद है? एलियन लाइफ की मौजूदगी को फर्मी पैराडॉक्स की मदद से समझा जा सकता है। जरा सोचिए, हमारे पास तो हमारा सूरज है लेकिन पूरे ब्रह्मांड में अरबों और सूरज मौजूद है और वे हमारे सौरमंडल से अरबों साल पुराना है। हो सकता है पृथ्वी की जैसे ना जाने कितने और ग्रह इन दूसरे सूरज के चक्कर लगाते होंगे और इन पृथ्वी जैसे ग्रहों पर हाईली इंटेलिजेंट लाइफ हो सकती है। ब्रह्मांड करीब 14 बिलियन साल पुराना है। बिग बैंग के बाद से ब्रह्मांड के हर कोने में पृथ्वी की तरह ना जाने कितने ग्रहों में जीवन पनपता होगा। अब अगर इंसान ने मात्र 3 लाख वर्षों में इतना डेवलपमेंट कर लिया है तो सोचिए जो प्रजाति 1 अरब वर्ष पुरानी है उसके टेक्नोलॉजी किस लेवल पे होगी। बेशक उनके पास लाइट की स्पीड से चलने वाले रॉकेट होंगे और अब तक तो टाइम मशीन भी बना ली होगी। तो अगर ये सब सच है, जो कि सच में है और इसे कोई झुठला नहीं सकता, तो एलियन ने तो हमें पहले ही ढूंढ निकाला है। और एलियन हमसे संपर्क करना जरूरी नहीं समझता क्योंकि वो हमारे जैसे ना जाने कितने और प्रजाति देख चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप जमीन पर एक चिट्टी का झुंड को देखते हो तो क्या आप उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हो? नहीं ना। एक और बात हमें ध्यान में रखनी होगी कि हम एलियन से कैसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है चिटियाँ हमसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती होंगी लेकिन जब तक वे सही संकेत नहीं भेजेंगे हम कभी भी नहीं जान पाएंगे। यही सेम बात लागू होती है हम पे और एलियंस के बीच। हो सकता है हम एलियंस से सही सिग्नल से कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। वे शायद ये भी नहीं जानते हैं कि हम उनसे संपर्क बनाना चाहते हैं, इसीलिए वे हमें अकेले छोड़ देते हैं। वैसे तो जिस स्पीड से साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा है वो दिन भी दूर नहीं है जब हम एलियंस से कॉन्टैक्ट करके उन्हें ढूंढ निकालेंगे। क्या आप एलियंस के वजूद को मानते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों, हम फिर लौटेंगे ऐसे भी हाइपोथेटिकल साइंस क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।